नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अधिकारी टेक्निकल चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप होनर या हुआवे या EMUI का किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल करते हो एंड उस डिवाइस में आप व्हाट्सएप को डार्क करना चाहते हो, या चाहे आपका नोटिफिकेशन बार को चेंज करना चाहते हो, चाहे अपना थीम बहुत बढ़िया या आपका मोबाइल का इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे अपना व्हाट्सएप को डार्क कर सके। देखिए, मेरा जैसा आप डार्क कर सके या ये जो राइटिंग है वो भी आप चेंज कर सके, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसीलिए ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अधिकारी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गोपाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, तो मेरा आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरा ये जो नोटिफिकेशन बार है इसका कलर चेंज है, तो इसका थीम भी बहुत बढ़िया थीम है। तो कहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया है, कैसे इसको इस्तेमाल करता हूँ एंड ये मेरा जो व्हाट्सएप है उसको डार्क कैसे किया है, उसका राइटिंग को कैसे चेंज किया है, तो मैं आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। देखिए, ये थीम फॉर EMUI या होनर हुआवे, तो इसका लिंक छोड़ दूंगा मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपल सा इसको ओपन कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप लोगों को थीम मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे सब फ्री थीम है, इतना बढ़िया बढ़िया थीम है ना दोस्तों, आप पूरा इंटरफेस आपका फ़ोन का बदल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देते हैं मेरा जो सेटिंग है। तो सेटिंग का अंदर भी देखिए कलर चेंज है, ये डार्क सेटिंग है, देखिए ये पूरा डार्क है, क्योंकि ये डार्क करके रखेंगे आप लोग, डार्क थीम को अप्लाई करेंगे तो आपका बैटरी उतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। देखिए, सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता है। देखिए, ये जो वॉल्यूम अप डाउन बटन है वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं उस थीम कहाँ मिलेगा। देखिए, ये है वो थीम स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारा बढ़िया बढ़िया थीम मिल जाते हैं ये कलर चेंज करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं थीम को डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से आप किसी भी थीम को आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फ़ोन को खूबसूरत बनाने के लिए। तो मैं कौन सा थीम को अप्लाई किया है उसको मैं आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप जाइएगा अपना जो फ़ोन का थीम स्टोर है वहाँ पे जाइए। तो मैं मेरा थीम स्टोर में आ गया है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे मी में जाइए, मी में जाने के बाद माई थीम्स है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखिए यह है वो थीम है, यह है वो थीम। तो देखिए, इसको मैं फिर से रीअप्लाई कर देते हैं, तो करने के बाद ही ये हो जाएगा, ये 92.50 MB का है। तो ये अप्लाई हो चुका है, देखिए ये है वो थीम, तो आप देख ही सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं पहले दिखाया था नोटिफिकेशन बार चेंज है। और उसके बाद दोस्तों मैं मेरा व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, तो व्हाट्सएप को ओपन करते आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डार्क कलर है व्हाट्सएप। तो इसको जो सेंड किया हुआ जो SMS है उसका भी कलर चेंज है, तो आप देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए, या इसका कलर चेंज है, तो मैं हाय हेलो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो देखिए ये कलर चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक नया तरीका है, जो देखेगा वही चौंक जाएगा दोस्तों। तो ऐसा करके आप अपना फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप को पूरा चेंज कर सकते हैं, जो देखेगा वही चौंक जाएगा। तो ऐसा करके दोस्तों देखिए, आपका जो सेटिंग में भी जाके देखिए, ये पूरा डार्क कलर है ये। और एक बात है दोस्तों, इस थीम को जब आप अप्लाई करोगे तो आपका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, जो फ़ॉन्ट रहेगा वो नहीं रहेगा आपका, इसका अंदर भी फ़ॉन्ट भी एक साथ है तो वो भी अप्लाई हो जाएगा एक साथ। बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है, इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद वहाँ से अपना मन चाहे बहुत सारे थीम को आप वहाँ से अप्लाई कीजिए। उस थीम को अप्लाई करेंगे तो इतना सारे कस्टमाइज आपका फ़ोन में दिख जाएगा, अपना जो कॉलिंग स्क्रीन है उसका भी पूरा थीम चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल है इसलिए मैं नहीं दिखाऊँगा। तो ऐसा दोस्तों
बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसको एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अपना फ़ोन का इंटरफेस बदल जाएगा, बदल के देखिए, जो देखेगा वही चौंक जाएगा। दोस्तों आज इतना ही है, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।